कितने माँ शिवरी रामचंद्र के लिए कितने मैया के दिल में श्रद्धा और विश्वास था माता शिवरी के दिल में। जो रामचंद्र जी अवश्य आएंगे मेरे कुटी पर और दर्शन देंगे, विश्वास था और विश्वास जमा कर बैठी हुई थी जंगल में। और वह कहां है? मतंग बाबा के कुटी पर, कोई इधर उधर नहीं। रामचंद्र जी भ्रमण करते हो, ढूंढते हो माता जानकी को, चले गए माता शिवरी की कुटी पर। माँ शिवरी की कुटी पर जाते हैं रामचंद्र जी। तब तक तो माँ बहुत वृद्ध हो चुकी थी, मुख के दांत सब टूट कर हट गए, बाल पक गए। थक गए मैया, जब भगवान गए ना तो शिवरी माँ देखते रह गई, समझ गई जो अही राम है, क्योंकि हाथ में धनुष है, सुंदर घुंघरल बाल, काली आंख, मोहनी मूरत है, कितनी सुंदर है दोनों भाई। माता शिवरी नीचे झुक जाती है प्रभु जी के चरण में। भगवान रामचंद्र जी मां को हाथ को पकड़ लिया, कहा मैया मां मेरे चरण को मत पकड़ो, मां मैं चरण पकड़ सकता हूं। मां क्या कहा रामचंद्र जी मां शिवरी को? मां ने कहा और अपनी आंख आंसुओं से शिवरी रामचंद्र जी को पांव पखड़ लिया। पांव को धो लेती है मैया और रामचंद्र जी माता शिवरी को गले से लगा लेते हैं। धन्य हो मां। उस समय अब माता शिवरी वही टूटी फूटी चटाई को बिछा देती है, रामचंद्र जी बैठ गए, लखनलाल भी बैठ गए, फिर पैर को तोड़कर लाते हैं, चीख कर जो कौन खट्टा है कौन मीठा है, चक चक कर लाती है एक डाली में। तो दिया भोग लगाने के लिए, मालिक आप भोग लगाइए, भोजन कीजिए, प्रभु जी तो बैर लेकर भोजन कर लिया यानी खा लेते, लेकिन लखनलाल को दिया ना तो क्या कहा? भैया को नहीं कुछ बुझने के लिए आता है, जो कुछ नहीं दिखता है, जाति पाती कुछ नहीं, खा लेते हैं, हम नहीं खाएंगे, फेंक दिया पीछे। वो तो अंतर आमे है मालिक, सभी को अंदर को बात को जानने वाले हैं। कहा लखनलाल जिस बैर के तूने अपमान किया है और वही तुमको प्राण को रक्षा करेंगे। कहा गिरा तो भोला गिर पर्वत पर जाकर वही सजीवन बूटी बन गए। अब माता शिवरी कह रही है रामचंद्र जी से, प्रभु जी मैं तो कुरूप हूं और मेरी रूप तो आप देख रहे हैं, मैं काली कलोटी हूं, मैं देखने में सुंदर नहीं हूं और जाति सबसे मैं पिछली जाति हूं। आधा माया था आधा माया तीना
रामचंद्र जी से अधम 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 अति नारी कैसी भक्ति करहूं तुम्हारी। तो रामचंद्र जी मां से ऋषि क्या कहा, नबधा भक्ति कहूं तुम्हें पाही धरहु धिया संतन करो संगा और दोसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। अनी जो हम कहते हैं वो चित लगा कर सुनो सेवरी। नबधा भक्ति बताते हैं रामचंद्र जी मां सेवरी से, छल बल कुटेल ये सब त्याग, छल प्रपंच विषय वासना ये सब त्याग, दया शील संतोष क्षमा प्रेम विश्वास ये सब मिला सब कहते हैं प्रभु जी अही तो और साधु के संगति अही एक नवधा भक्त। इतना माता सेवरी के अंदर था, समझ गए रामचंद्र जी। और पहले इतना करती थी मैया, कहां कहां रामचंद्र जी पीपर में जाकर पूजा करो, कहा था कहां कहां भगवान जो पीपर और बड़ में जाकर पूजा करो, कहां जो केला के जर में बैठकर पूजा करो तो मुक्ति मिलेगी और संपत्ति सुख समृद्धि यह सब आएगा घर में। कहा भगवान, कहा संतन करो संगा, भक्ति का मार्ग वही है जो साधुओं को संगत का।